365 न्यूज आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। रांची नगर निगम में हुई स्थायी समिति की बैठक। बैठक के बाद महापौर आशा लकड़ा ने मीडिया को जानकारी देते हुए कुछ एजेंडे पर प्रकाश डाला, जैसे होल्डिंग टैक्स 30 जून के बदले 31 जुलाई तक दे सकेंगे। उन्होंने सड़क दुर्घटना में चालक जितेंद्र की मृत्यु पर 1,00,000 रुपए की आर्थिक मदद का प्रस्ताव भी रखा। लगातार सरकार पानी देने में फेल रही, इस पर भी अपनी तरफ से 1.5 करोड़ की राशि लगाकर चापाकल की मरम्मती कार्रवाई की जाएगी। 1,000 स्क्वायर फीट तक के घर पर टैक्स छूट, उससे ज्यादा स्क्वायर फीट पर 50% की छूट होगी, आदि एजेंडों पर चर्चा की गई। लेकिन सरकार द्वारा राशि मिलने के बाद ही ये संभव हो पाएगा, ये भी कहा। इन मुद्दों को लेकर बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ। खबर 365 न्यूज के लिए रांची से पूजा की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो मैं कोरोना योद्धा, उसमें चाहे जिला प्रशासन हो, स्वास्थ्य पदाधिकारी हो, पत्रकार बंधु हो, हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो निगम के हैं, उनको धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने लगातार अपनी सेवा से रांची में इस तरह का माहौल बनाया कि आज हम रेड जोन से ऑरेंज जोन में आ पाए हैं। लेकिन अब खतरा बढ़ा है, इसलिए बढ़ा है कि प्रवासी मजदूर भाई हमारे विभिन्न राज्यों से आ रहे हैं, और आपने भी देखा कि पिछले 3 दिनों में रांची में सबसे ज़्यादा विक्टिम्स पाए गए हैं। अब हमें ज़्यादा सावधान रहना है। ऑरेंज जोन में तो आ गए, अब ग्रीन जोन में भी जाना है, हमें सावधानी बरतनी है। जो नियम हमारे राज्य देश के प्रधानमंत्री जी ने जो दिए कि 2 गज की दूरी में हमेशा रहें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करें, और आपस में इस तरह का माहौल नहीं बनाए कि ये बीमारी फैले, इस चीज़ की अब ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है। मेरा आम लोगों से यही अपील है कि बंधुओं, अपने को भी बचाना है, इस राज्य को भी बचाना है और इस देश को भी बचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने सभी लोगों को लॉकडाउन में रहने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने, सैनिटाइज करने जैसे निर्णय लिए, और पूरे देश के साथ साथ रांची ने भी पालन किया, और उसका नतीजा आज देखिए, रांची रेड से ऑरेंज में आ गए हैं, और आगे मुझे लगता है कि आप ग्रीन जोन में आ जाएंगे। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आप सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करते रहिए और अपना मास्क लगाते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, इन सब का ध्यान रखिएगा, तो बहुत जल्द रांची ग्रीन जोन में आ जाएगा। और विशेषकर इस समय हम लोगों ने नगरपालिका नगर निगम का बैठक किए हैं, और इस बैठक में कुल 8 एजेंडा थे। उस 8 एजेंडा में से हम लोग ने 19/2/2020 को अस्थाई समिति का बैठक किए, तो उनका संपुष्टि हम लोग ने किए हैं। और विशेष रूप से इस समय COVID-19 से लड़ रहे ऐसे हमारा स्वास्थ्य कर्मी हो, अधिकारी हो, जितने भी जोनल साफ सफाई से लेकर के निगम में काम करने वाले तमाम लोगों का जो इस समय काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का सुरक्षा का ध्यान, रांची नगर निगम किसी तरह का भी तबीयत खराब होगा तो ख्याल रखेगी। दूसरा कि अगर किसी तरह का कोई घटना हो जाता है तो उनका जीवन के लिए, सुरक्षा के लिए 10 लाख तक का योजना रांची नगर निगम से आज हम लोग ने पारित किया है। मैं आपको बताऊं कि रांची को देखते हुए और COVID-19 को देखते हुए कई लोग ऐसे हैं जो टैक्स तो दे रहे हैं, लेकिन टैक्स के आगे ये उसका दंड नहीं दे पाएंगे। इसको हम लोग ने छूट दिया है कि 2020-21 का जो होल्डिंग टैक्स है उसमें 30 जून तक का जो हम छूट देते थे, अब उसको 31 जुलाई तक का हम लोग ने बढ़ा करके किया है, और इस तरह अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा, लोग अपना टैक्स दे सकते हैं, और जो छूट हम लोग देते थे वो भी पूरा उनको देंगे। और दूसरी बात कि जिस तरह से सरकार हम लोगों को पानी नहीं दे पा रही है, आपने देखा होगा लगातार सरकार से डिमांड करते रहे कि पानी पिलाने के लिए, बोरिंग करने के लिए पैसा दीजिए, लेकिन सरकार देने में फेल्योर रही। लेकिन नागरिक सुविधा मद का जो पैसा है उसको हम लोग प्रत्येक वार्ड को क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से बांटते हैं, उन्हीं पैसा को 1.5 करोड़ रुपया हम लोग रखे हैं चापानल और मिनी एचवाईडीटी जो पूर्व में स्थापित थे उनको रिपेयरिंग करने के लिए, ताकि किसी तरह से जनता को हम पानी पिला सकते हैं। मैं और एक बात बताना चाहती हूँ कि जो हमारे चालक हैं, जितेंद्र जी नहीं रहे, कोविड के समय काम करते करते आते समय उनका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट से मौत हो गई, तो उनको रांची नगर निगम की ओर से भी 1,00,000 रुपया दिया गया है, तो उसको भी आज हम लोग ने प्रस्ताव में पारित किए हैं। आपने देखा होगा पिछले बार डिप्टी मेयर ने भी विषय उठाए थे
1000 वर्ग फीट का जो घर है उनका टैक्स छूट रहेगा और उससे कम का छूट रहेगा, और उससे जो अधिक होंगे 1000 स्क्वायर फीट से अधिक रहेंगे उसको 50% का छूट दिया जाएगा। ये विषय उन्होंने रखे थे और आज ये प्रस्ताव हम लोग लेके आए हैं। इस प्रस्ताव में हम लोग यही रखें कि सरकार इन सब के लिए पैसा हमें देगी तो हम इन लोगों को छूट दे पाएंगे और रांची की जनता को सहूलियत हो पाएगी, लेकिन सरकार जब खर्च उठाएगी तभी हम इसको पूरा खुद कर सकते हैं, अन्यथा ये नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात हम लोग ने उठाए हैं कि 14वें वित्त आयोग का पैसा आज हमारे विकास काम में लगे हुए हैं, रोड है, नाली है, बाकी चीज़ काम हम लोग कर रहे हैं, उन सब पैसा को ट्रेजरी में आज भी रोक लगाई हुई है। उसको हम लोग ने कहा है कि एक पत्र के माध्यम से जहां काम हो रहे हैं इस पैसा को रोकना नहीं चाहिए, इसको विकास करनी चाहिए, ऐसा हम लोग ने कहा है। साथ ही रांची नगर निगम में विकास के काम को करने के लिए टाउन प्लानर का जरूरत है। अभी हमारे पास एक ही टाउन प्लानर है और विभाग में भी काम देखते हैं और रांची नगर निगम का भी काम देखते हैं, जिससे काम नहीं हो पाता है। कई लोग अवैध रूप से निर्माण कर लेते हैं और यूसी केस लग जाता है। इस दृष्टिकोण से हम लोगों ने पूरे रांची नगर निगम के लिए 3 ऐसे टीपी के लिए संविदा पर, नियम संगत संविदा पर लाने की बात हम लोग ने कहे हैं और आज इस बैठक में हम लोग ने पारित किया है। बहुत